तो जो हम अभी प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं वो है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग किसी नोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन से किसी अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं। जैसे आप किसी जानने वाले आदमी से किसी अनजान आदमी का पता करते हैं, वैसे ही हम एक नोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन से अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता करते हैं। बेसिकली ये तीन टाइप के होते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रिडॉक्स और एक कॉम्प्लेक्सेशन टाइट्रेशन होता है। तो जो हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो है रिडॉक्स टाइट्रेशन। और टाइट्रेशन का हम यूज करते हैं किसी चीज की प्योरिटी जानने के लिए, फूड क्वालिटी चेक करने के लिए। जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है ये है ब्यूरेट, और ये ब्यूरेट स्टैंड इसको तो सबको पता होगा, पिपेट, वॉच ग्लास, कॉनिकल फ्लास्क, टाइट्रेशन फ्लास्क, बीकर, ये आप सबको हमने पिछली बार भी दिखाया था। और जो हम इसमें केमिकल यूज करते हैं, हमारे पास है पहले ये पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। हमारे क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आपको लैब में ये दिखने को मिलेगा, इसको मोहर सॉल्ट पे बोलते हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। और जो दूसरा केमिकल हम यूज करते हैं उसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं FAS, और मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिकल में लिखने को भी आता है और आपका दिखाने को भी आपको आता है। तो हमने एक दिन पहले ये KMnO4 का सोल्यूशन बनाया था, हमने इसका M/100 सोल्यूशन बनाया था KMnO4 का। इसमें हमने वाटर डिजोल्व किया तो इसका कलर ऐसा होगा, पर्पल कलर का हो जाता है। और हम सबसे पहले टाइट्रेशन में हम पे अटेंशन को मेजर किया, 4.9 ग्राम मेजर किया एनालिटिकल बैलेंस में, मोहर सॉल्ट और उसका सोल्यूशन बनाया हमने वाटर का, M/20 सोल्यूशन, इसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी बोलते हैं। अब हम आपको टाइट्रेशन करके दिखाएंगे कि टाइट्रेशन कैसे होता है। ये है कॉनिकल फ्लास्क, इसमें हमने पहले से प्रिपेयर कर लिया, अभी कुछ देर पहले हमने इसमें हाफ टेस्ट ट्यूब एसिड डाला, डाइल्यूट H2SO4, देन हमने इसमें 20 ml पिपेट से लेके FAS डाला जो हमने सोल्यूशन बनाया था M/20 का। तो इसकी जो प्रोसेस होती है, इसमें हम लोग KMnO4 को स्लोली इसमें डालते हैं और ये डिजोल्व होता रहता है, इसको एक साथ स्टर भी करते हैं। और हम लोग इस पे एंड पॉइंट ढूंढते हैं जहां पे इसका कलर चेंज हो जाता है, पिंक कलर आता है। बच्चों बताओ KMnO4 आगे एंड पॉइंट। ये देखो इसका कलर पिंक आ गया, ये ऐसे कलर का था और ये कलर पिंक हो गया। हम लोग इसका एंड पॉइंट देखते हैं जहाँ पे ये कलर एग्जैक्ट एकदम चेंज होता है, इतना ज्यादा हो चुका है हमारे मार्क्स कट मास्क कर जाएंगे। मास्क कर हाँ। आपको ये प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। और हमारे भंडारी सर इसके मुख्य हमारे डांस समाप्त है, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।